तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर नंबर 3। ठीक है, दो चैप्टर हम कर चुके हैं, तो तीसरा चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री, और इसमें हम कवर करेंगे एक्सरसाइज 3.1। तो हम कर रहे हैं क्विक रिवीजन, तो इसमें से थोड़ा सा मैं बताऊंगा, बाकी अगर आपने डिटेल में आपको भूल चुके हैं आप, तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो लिंक दिया होगा वहाँ से आपने ज़रूर जो है वो वीडियो देख लें, तो आपको डिटेल जो है उसमें कोई भी टॉपिक अगर लगता है तो वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो या मैं थोड़ा मोटा मोटा आपको बताऊंगा। ठीक है, तो बात कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्री। तो ट्रिग्नोमेट्री जो है दो वर्ड से बनती है, एक शब्द होता है जी ट्राइगोन और दूसरा होता है जी मीट्रॉन, दोनों ग्रीक वर्ड हैं और इनका मीनिंग है मेजरिंग ऑफ साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल। ठीक है, तो इसमें जो हम मेजरमेंट करते हैं वो साइड्स और एंगल। ट्राइंगल में क्या आता है, साइड्स आते हैं और साथ में एंगल्स आते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं एंगल्स की, तो व्हाट डू यू मीन बाई एंगल, एंगल क्या है, एंगल क्या है, इट इज मेजरमेंट ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट। ठीक है, देखो ये एक रे है और ये इसका इनिशियल पॉइंट है, लेट अस सपोज ओ है। ये मूव कर रही है एंटी क्लॉकवाइज और ये रे जो है यहाँ तक मूव करती है। ये जो इसने डिस्टेंस कवर किया इतना, इसकी जो मेजरमेंट है, मतलब ये रोटेट हुआ ना ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, तो ये जो रोटेशन हुई यहाँ तक, इसकी जो मेजरमेंट है अभी कितना इसने रोटेट किया है, उसे हम क्या कहते हैं, एंगल। और प्रीवियस क्लास में आप एंगल को मेजर करते आए हैं और आप उसको लिखते आए हैं थीटा। ठीक है, तो आप ऐसे फाई लिख सकते हैं, ए लिख सकते हैं, अल्फा लिख सकते हैं, बीटा ले सकते हैं, लेकिन हम स्टैंडर्ड जो है वो थीटा ले लेते हैं, दैट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल। इस लाइन को, ये वाली जो लाइन है, ये रेज है, लाइन ही बोलेंगे क्योंकि ये यहाँ पे एरो है तो ये रेज है, तो ये हैगी जी इनिशियल साइड, क्या हो जाएगी जी, और ये वाली हो जाएगी जी टर्मिनल, और इस ओ को हम बोलेंगे वर्टेक्स। ठीक है, तो ये मैंने एंटी क्लॉकवाइज इसको रोटेट किया। अगर मैं ऐसे कर दूं क्लॉकवाइज कि ये जो ओरिजिनल आपकी रेज है ये रोटेट हुई नीचे की तरफ, दैट इज क्लॉकवाइज, तो ये एंगल, फिर इसने एंगल बनाया क्योंकि मेजरमेंट ऑफ दिस रोटेशन, तो दैट इज थीटा, और ये आपके पास आ गया इनिशियल साइड एंड दिस इज टर्मिनल साइड। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है, ये एंटी क्लॉकवाइज और ऊपर की तरफ है, ये नीचे की तरफ है। जब आप रोटेट करेंगे एंटी क्लॉकवाइज तो ये जो एंगल बनेगा दैट इज पॉजिटिव, और क्लॉकवाइज दैट इज नेगेटिव। आप जानते हैं, आपने पढ़ा, देखो ये आप प्रीवियस क्लास में जानते हैं कौन सा एंगल है, ये 90 डिग्री। ठीक है जी, और लेट अस सपोज करो ये वो है, ये 180 डिग्री, डिग्री लिखते थे ना आप, तो 180 डिग्री, ये आप प्रीवियस क्लास में ये चीज़ें पढ़ चुके हैं, तो ये आ गया आपके एंगल, इसको हम मेज़र करते हैं आ रहे हैं। ठीक है, अब एंगल को आपने सिर्फ डिग्री से मेज़र किया आपने प्रीवियस क्लास में, क्या कोई और भी कोई मेज़रमेंट है जिससे हम एंगल को माप सकते हैं? तो हमारे पास दो तरह के जो मेज़रमेंट हैं, एक डिग्री और सेकंड रेडियन, वैसे एक और होता है ग्रेड, तो वीडियो में आप चेक कर सकते हैं, वहाँ पे मैंने तीनों
मेज़रमेंट के बारे में बताया, तो हम बात करेंगे सिर्फ आज डिग्री और रेडियन की, ठीक है। चलिए फिर नेक्स्ट चलते हैं, अगर आपने नोट करना तो कर लें। तो मेज़रमेंट ऑफ एंगल, एंगल को हमने कैसे मेज़र करना, तो दो हमारे पास मेथड हैं, एक हम डिग्री यूज़ करते हैं, दूसरा हम करते हैं रेडियन। तो डिग्री के बारे में आप जानते हैं, जैसे मैंने पीछे लिखा कि जैसे ये एक एंगल है, ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है जिसे हम 90 डिग्री से रिप्रेजेंट करते हैं, और सारे एंगल ले लो आप, सपोज करो ये एक एंगल है, लेट अस सपोज करो इसे 45 डिग्री है, तो ये सारे थीटा हम ले लेते हैं। तो दिस इज़ द मेज़रमेंट ऑफ एंगल इन डिग्री। और ये भी आप पढ़ चुके हैं कि 1 डिग्री जो है वो बेटा 60 मिनट के इक्वल होता है, और 1 मिनट जो है वो 60 सेकंड के इक्वल होता है। नेक्स्ट हमारे पास है रेडियन। तो व्हाट डू यू मीन बाई रेडियन, देखो ये एक सर्कल है, यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मीनिंग है इसका जो रेडियस है इस सर्कल का वो 1 यूनिट है। मैं यहाँ पे 1 यूनिट लिख रहा हूँ। 1 यूनिट मीन यूनिट आपका सेंटीमीटर हो सकता है, मीटर हो सकता है, या आप मिलीमीटर लिख सकते हैं, तो मैं 1 यूनिट लिखा है। तो यहाँ पे ये ओ एक रेडियस हो गया, तो ओ बी यहाँ पे ले लेते हैं पॉइंट, ये भी एक रेडियस है। और ए से लेकर बी तक जो है ये आर्क है। अब रेडियन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ 1 रेडियन, तो 1 रेडियन का क्या मीनिंग है कि जब ये जो रेडियस है एक यूनिट है, और इस आर्क की लेंथ जो है ए से लेकर बी तक, आर्क मतलब यहाँ से स्टार्ट करें और यहाँ तक चलते जाएं, ये तक जितनी दूरी तय करेंगे दैट इज़ आर्क, और इसे रिप्रेजेंट करते हैं एल से। रेडियस को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो 1 रेडियन है वो किसके इक्वल आ गया, कब होगा 1 रेडियन, जब ये जो रेडियस है वो किसके इक्वल आ जाएगा, रेडियस के। और कितना होना चाहिए वो 1 यूनिट, तो कितना रेडियन आया 1 रेडियन, मतलब जितना रेडियस, रेडियस आपका 1 यूनिट लिया हमने, और ये जो एल है ये भी अगर 1 यूनिट आ जाता है तो हमारा कितना एंगल इस सेंटर पे बनेगा 1 रेडियन। सपोज करो आप यहाँ बताओ कि ये एक सर्कल है, ये इसका सेंटर है, रेडियस इसका 1 यूनिट ही रहने देते हैं, ये ए है सपोज करो, ये बी है, तो दिस इज़ ऑल। अब ये जो आर्क है इसको थोड़ा सा बड़ा कर देते हैं, ये मैं मान लेता हूँ 1/2 यूनिट है, और जितना ये है उससे आधा ज़्यादा है, तो इसमें कितना रेडियन बनेगा, कितना एंगल, जो एंगल जो है कितना रेडियन बनेगा, 1/1.5 रेडियन। अगर 1 है आर, और लेंथ भी इसकी जो लेंथ है आर की 1 है, तो रेडियन कितना है यहाँ पे, कितना एंगल रेडियन बनेगा 1 रेडियन। और जब आपका यहाँ पे ये इससे 1.5 गुना हो जाता है, एक यूनिट है ये 1/1.5 हो गया, तो हमारे पास कितने रेडियन आ जाता है 1.5 यूनिट, ठीक है। नेक्स्ट है कि रिलेशन, पढ़ा आपने रिलेशन बिटवीन थीटा एल आर, हम पढ़ चुके इसके बारे में। थीटा क्या है, ये जो सेंटर पे एंगल बनता है। एल क्या है, ये ए से लेकर बी तक की जो लेंथ है आर्क की। और रेडियस क्या है, इस सर्कल का जो रेडियस है दैट इज़ आर। इन तीनों में क्या रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, क्या रिलेशन है तीनों टर्म्स में, एंगल, लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस, तीनों में क्या रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, एल इज इक्वल टू आर थीटा भी आप लिख सकते हैं। और ये रिलेशन आपको क्वेश्चन आएंगे इसके बेस के ऊपर, तीनों में से कोई एक गिवन होगा, आपने एक की वैल्यू निकालनी है,
थीटा एल आर हो सकता, आपको आर गिवन हो, एल गिवन हो तो थीटा फाइंड करिए, आपको थीटा और एल गिवन हो आपको रेडियस फाइंड करना हो, आपको थीटा और आर गिवन हो और आपने एल फाइंड करना हो, ये रिलेशन आपको इन तीनों क्वांटिटी में ये जो रिलेशन है ये याद रखना है। ओके चलिए नेक्स्ट चलते हैं फिर। नेक्स्ट देखें रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन। जो डिग्री मेजरमेंट है और रिलेशन मेजरमेंट है इनमें आपस में क्या रिलेशन है, तो इसमें रिलेशन होता है बेटा पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री, और आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। रेडियन को मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया आर ए डी, पूरा रेडियन लिखा। तो ये आपने रिजल्ट याद रखना है कि रेडियन और डिग्री में क्या रिलेशन है, ठीक है, दैट इज पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब इसके बेस पे आपको क्वेश्चन आएंगे, आपको डिग्री गिवन होगा तो आपने रेडियन फाइंड करना है, अगर आपको रेडियन गिवन है तो आपने डिग्री फाइंड करना है, तो आप इस रिलेशन का ही यूज़ करेंगे, ठीक है। बाकी एक और है यहाँ पे 1 रेडियन इज इक्वल टू 57 डिग्री 60 मिनट, इसके बराबर होता है रेडियन, 1 रेडियन जो इतने डिग्री के बराबर होता है, ठीक है। तो चलिए इस रिलेशन के ऊपर हम एक क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन क्या है, कन्वर्ट करना आपने 25 डिग्री एंगल को आपने रेडियन मेजर में कन्वर्ट करना है। अब आपने ध्यान से देखना है इन ऐसे क्वेश्चन को आपने कैसे सॉल्व करना है। तो देखो आपको थीटा दिया है 25 डिग्री और आपने कन्वर्ट करना है, तो जब भी आपके पास ये दो क्वांटिटी आपस में रिलेटेड है, कौन कौन सी, डिग्री और रेडियन, तो हमने ये वाला फार्मूला, ये वाला रिलेशन यूज़ करना है। तो मेरे पास है जी पाई रेडियन, अब ध्यान से सुनना जी, पाई रेडियन किसके बराबर है बेटा, 180 डिग्री के बराबर है। आप क्या फाइंड करना चाहते हैं, 25 डिग्री को आपने कन्वर्ट करना है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे 1 डिग्री निकालेंगे, पहले क्या निकालेंगे 1 डिग्री। देखो 1 डिग्री को फाइंड करना आपने, तो 1 डिग्री किसके इक्वल आ जाएगा इस रिलेशन से, पाई बाई, और यहाँ पे ये आ गया जी 1 डिग्री, यहाँ पे 1 है ना, क्या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ 180 डिग्री मल्टीप्लाई 1 डिग्री, दैट इज़ 180 डिग्री। तो मैंने ये अपॉन लिया है इसके, तो मेरे पास 1 डिग्री किसके इक्वल आ गया, ठीक है। आपने कितने डिग्री चाहिए आपको, आप 25 से मल्टीप्लाई कर दो, कितना आ गया, दिस इज योर रेडियन, ये क्या है डिग्री, ये क्या है रेडियन, आप इसे सॉल्व कर लो 5 और ये 36, तो 5 पाई अपॉन 36, तो 25 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी, 5 पाई अपॉन 36 रेडियन। समझ आ गया, कोई प्रॉब्लम, कोई और ले लेते हैं, मान लो मैं मान लो था 30 डिग्री है, सपोज करो, तो 30 डिग्री को आप कन्वर्ट करना चाहते हैं रेडियन में, हमने रिलेशन यूज करना है पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। आप डिग्री को कन्वर्ट कर रहे हैं रेडियन में, तो आपको 1 डिग्री की वैल्यू चाहिए, जो जो आपको गिवन होगा ना उसकी वैल्यू चाहिए। आपने डिग्री डिग्री वैल्यू फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने यहाँ से डिग्री की वैल्यू लेनी है, तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 इंटू रेडियन। कितने रेडियन कितने डिग्री निकालना चाहते हो, 30 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये आ गया 30 डिग्री, 30 इंटू पाई अपॉन 180 रेडियन, ये कैंसिल 6, तो पाई बाई 6 रेडियन, तो 30 डिग्री की वैल्यू जो है रेडियन में कितनी होगी, पाई बाई 6, ठीक है, नोट कर लो, फिर आगे चलते हैं। चलिए ये क्वेश्चन देखिए, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है,
आपने कन्वर्ट करना है 6 रेडियन को डिग्री मेज़र में। पहले हमने डिग्री मेज़र को कन्वर्ट किया रेडियन में, अब हम कन्वर्ट करेंगे रेडियन को डिग्री में। रिलेशन हम वही यूज़ करेंगे, क्या रिलेशन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री। अब यहाँ से हमने रेडियन को कन्वर्ट करना है तो हमें किसकी वैल्यू निकालनी है, यहाँ पे पाई की, एक रेडियन की वैल्यू निकालनी है। हमने पिछले क्वेश्चन में क्या किया कि हमने डिग्री को कन्वर्ट करना था, तो डिग्री को कन्वर्ट करना था तो हमने 1 डिग्री की वैल्यू फाइंड की। यहाँ पे हम रेडियन को कन्वर्ट कर रहे हैं तो हमें रेडियन की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले कितने रेडियन में फाइंड करनी है, 1 रेडियन, तो यहाँ से 1 रेडियन की 180 डिग्री अपॉन पाई आ गया। तो अब आपने 6 रेडियन की वैल्यू निकालनी है, तो आप इसे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 रेडियन बन गया, ये आ गया 6 × 180। और यहाँ पे जो पाई की वैल्यू उसने कहा कि 22/7 आप यूज़ करेंगे, तो मैंने पाई की वैल्यू यूज़ कर ली यहाँ पे 22/7। ओके, अब सिंपली आपने से सिंपलीफाई सॉल्व करना जैसे हम 8th-7th में करते थे। तो यहाँ पे आप कैंसिल करें, ये बन गया 3, ये बन गया 11। तो और तो मुझे लगता है ये किसी से कैंसिल होगा, तो इन दोनों का आप मल्टीप्लाई कर दें, तो 180 जो है वो 21 से मल्टीप्लाई करेंगे, 180 360 087, तो 3780/11 क्या बन गया, ये डिग्री, क्या है ये डिग्री। ठीक है, फिलहाल हम इसको कुछ नहीं लिखेंगे, ऐसे रहने देते हैं। और ये पूरा क्या है, किस फॉर्म में है, डिग्री की फॉर्म में है, लेकिन अभी भी ये हमें सही नहीं लग रहा है, तो इसको थोड़ा सा सही करेंगे। सही करने का क्या तरीका है, इसको कैसे, मतलब अभी हमें एक्यूरेट नहीं पता चल रहा कि ये कितना है जो हम समझ सकें। उसके लिए हमने क्या करना कि इसे हम डिवाइड करेंगे। अब ये आपने ध्यान देना है, तो एक बार आप समझ लेंगे तो बाकियों में कहीं भी आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो 11 से हम इसे डिवाइड कर रहे हैं, तो मेरे पास क्या आ गया, 3 से करेंगे 33, ये आ गया 4, फिर हम 3 से करेंगे 4 से चल जाएगा, चलिए 4 से कर देते हैं, 44 कितना आ गया, और आ गया 0, फिर 3 तो कितना आ गया 33, और कितना आ गया, अब देखिए ये आपके पास बन गया 343 डिग्री। तो डिग्री के लिए हम उसके यहाँ पे ऊपर 0 छोटा सा बना देते हैं, तो ये डिग्री का साइन है, तो ये बन गया 343 डिग्री। अब यहाँ पे आ गया 7 डिग्री, जिसे 7 डिग्री आपका रिमाइंडर बच गया, और यहाँ 11 है, तो ये छोटा से। अब हम क्या करेंगे, डिग्री को कन्वर्ट कर देंगे मिनट में। तो एक डिग्री, ये 7 डिग्री है ना, दिस इज डिग्री 7 डिग्री, तो 7 डिग्री को हम कन्वर्ट कर देंगे मिनट में। एक डिग्री में कितने मिनट होते हैं बेटा, 60. एक मिनट इज इक्वल टू 60 मिनट, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये बन गया जी 420 मिनट, क्या बन गया अब मिनट। अब इससे करो डिवाइड करो 3, और ये बन गया 0, 11 × 8 = 88, कितना गया, और ये बन गया 343 डिग्री 38। अब देखो ये क्या है, 2 मिनट, 2 क्या है, 2 मिनट, ये क्या है, और 2 मिनट 11 से छोटे हैं, इसे फिर मैं 60 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, क्योंकि एक मिनट में 60 सेकेंड है। अब मैं इसे 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूँ, मेरे पास क्या बन गया, 120, तो 120 क्या बन गए, सेकेंड बन गए। अब इसको 11 से फिर से डिवाइड करते हैं, तो कितना बन गया, 11 बन था 11, कितना आ गया, 10। ठीक है, फिर आप 11 से ऑलमोस्ट थोड़ा सा से बढ़ गया, पर ऑलमोस्ट उतना आ गया, तो 11, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं 11 सेकेंड। तो अब 6 रेडियन किसके इक्वल आ गया, 343 डिग्री 38 मिनट
और 11 Radians. अब थोड़ा सा पढ़ने में भी अच्छा लग रहा है और हमें पता भी चल रहा है कितने डिग्री, कितने मिनट और कितने सेकंड ये एंगल है और ये कौन सी फॉर्म है डिग्री, समझे? डिग्री, मिनट और तीनों में हमने कन्वर्ट कर दिया. दिस इज योर आंसर. ठीक है, नोट कर लो, फिर बाकी क्वेश्चन भी आपने इसी प्रकार करने हैं. अगर कुछ डाउट है तो पूछें आप. चलो फिर, ये एग्जांपल नंबर 4 है, तो क्वेश्चन को आप ध्यान से पहले पढ़ें. क्वेश्चन क्या है? द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग, हाउ फार डज इट्स टिप मूव इन 40 मिनट. और पाई की वैल्यू आपने यूज़ करनी है 3.14. देखो क्वेश्चन को पहले समझते हैं. ये एक वॉच है बेटा, तो ये सर्कुलर होती है, ठीक है. तो इसने कहा कि 40 मिनट मूव कर रही है, तो यहाँ पे ये मेरे पास एक ये मिनट हैंड है, ठीक है. तो मिनट हैंड यहाँ से स्टार्ट हुआ, तो ये 40 मिनट तक मूव किया इसने, है ना? ऐसा ही हो, घड़ी में जो मिनट हैंड है वो यहाँ यहाँ 12 होता है, तो यहाँ से स्टार्ट हुआ तो ये 40 मिनट इसने मूव किया. क्वेश्चन यही है, द मिनट हैंड ऑफ ए वॉच इज 1.5 सेंटीमीटर लॉन्ग. इसकी जो लेंथ है ना वो 1.5 सेंटीमीटर थी, इसे मैं ओ मान लेता हूँ. चलिए, तो कहता है हाउ फार डज इट्स टिप मूव, इसकी जो टिप है ये कितनी दूर चली गई है जब इसने कितना टाइम लिया. तो ये 40 मिनट आ गए, यहाँ से 0 और यहाँ पे 40 मिनट होते हैं, यहाँ 45 होते हैं ना, यहाँ पे ऐसे होता है ना, ये 0 तो ये 6, ये 15, ये 30, ये ऐसे करके, है ना. तो हमने फाइंड क्या करना है कि ये कितना मूव किया इसकी टिप. मूव का मतलब क्या है, हमने ये फाइंड करना है, ये वाला व्हाट इज दिस आर्क. वेरी गुड, हमने क्या फाइंड करना है, आर्क फाइंड करना, और इसे हम किससे डिनोट करते हैं, एल से. अब आपको गिवन क्या है, ये ओ है, इसे मैं अगर ए एन ले लूँ तो इस सर घड़ी को आप भूल जाओ आप. अब ये एक सर्कल है, तुझे ओ ए सर्कल में क्या है, रेडियस है. वेरी गुड, दिस इज, तो आपके पास जो गिवन है पहले हम उसे लिख लेते हैं. हमें रेडियस गिवन है जी, और हमें टाइम गिवन है. हालांकि हमें क्या चाहिए, थीटा चाहिए, पर उसने कहा कि उसने एंगल जो बनाया है वो हमें नहीं पता, लेकिन उसने टाइम कितना कवर किया है वो 40 मिनट की कवर किया है. तो हम टाइम से, इस टाइम से हम थीटे की वैल्यू फाइंड करेंगे, और साथ में हमने प्रूव क्या करना है, हमने बताना है कि वो कितनी दूरी तय की उस आर्क ने. तो थीटा हम फाइंड कर सकते हैं, आर्क हम फार्मूले से ही फाइंड कर सकते हैं. थीटा हम कैसे फाइंड करेंगे, देखो आपको पता है कि जब ये मिनट हैंड एक पूरा सर्कल कंप्लीट करेगी तो कितना एंगल बनाती है, ये 360 डिग्री या 2π रेडियन. 2π रेडियन. तो क्या मैं लिख सकता हूँ, मिनट हैंड सबटेंड एंगल इन वन रिवोल्यूशन कितना, 2π रेडियन. मिनट हैंड सबटेंड, सबटेंड मतलब यहाँ पे सेंटर पे जो एंगल बनाती है मिनट हैंड इन वन रिवोल्यूशन, एक बार घूमने में. रिवोल्यूशन क्या पूरे स्पेलिंग लिखना है, पूरे लिख लेना रिवोल्यूशन. तो मिनट हैंड सबटेंड एंगल इन वन रिवोल्यूशन, वन रिवोल्यूशन का मतलब है कि मिनट हैंड ने कितना एंगल लिया, टाइम कितना लिया, टाइम
कैसे? मैंने बोला कंप्लीट रिवोल्यूशन पे 60 मिनट। इसका मतलब है ये जो 2π रेडियन एंगल है वो आया 60 मिनट, 60 मिनट सबटेंड एन एंगल कितना? नहीं बात समझाइए बेबी। हमने कहा कि एक रिवोल्यूशन में एक बार चक्कर लगाने पर उसने एंगल कितना अक्वायर कर लिया, पर एक बार चक्कर लगाने पे जो मिनट हैंड है वो टाइम कितना लेती है? 60 मिनट। तो ये दोनों सेम चीज़ हैं, क्योंकि अभी मिनट दिया था तो मुझे ये पहले देखना है कि 60 मिनट में इतने कितना एंगल बना दिया, 2π रेडियन। तो एक मिनट में भी कितना एंगल बनाएगी? 2π/60 रेडियन। कितने टाइम लिया इसने, इस मिनट हैंड ने कितना टाइम लिया यहाँ तक ही पहुँचाना जाए? तो हमने ये एंगल निकालना, ये वाला हमने पूरा नहीं निकालना, हमने ये निकालना। तो 40 मिनट हुआ टाइम, तो ये आएगा 2π/60 × 40 रेडियन, 0 से 0 तो कितना आ गया? 2π/4π/3। तो दिस इज योर थीटा, दिस इज योर। अब हमारे पास आर भी आ गया बेटा, थीटा भी आ गया, अब एल निकाल सकते हैं। yes. हमारे पास रिलेशन होता है, तो हमारे पास क्या रिलेशन है? वी हैव थीटा इज इक्वल टू। अब आप यहाँ पे एक प्रश्न पूछ सकते थे पर पूछा नहीं आपने, कि हमने रेडियन ही क्यों लिया? कुछ बच्चों ने यहाँ बोला 360 डिग्री, तो हमने 360 डिग्री क्यों लिया? जब हम इस रिलेशन की बात करते हैं थीटा इज इक्वल एल अपॉन आर, तो यहाँ पे जो थीटे की जो मेजरमेंट है वो रेडियन में रहेगी। यहाँ पे इस रिलेशन में जब हम थीटे की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो हमें जो थीटा है वो किस मेज़र में मिलेगा, किस मेज़रमेंट में मिलेगा? रेडियन में। इसलिए मुझे यहाँ पर रेडियन में ही इसको लिखना पड़ा, समझ गए? तो चलिए अब आप वैल्यू पुट करें। तो हमने फाइंड करना है एल, तो एल इज इक्वल टू थीटा इंटू, तो एल इज इक्वल टू थीटा बोलिए क्या जी? 4π और आर, हाँ जी, अपॉन 10 कर दें। तो आई थिंक ये 5, ये 2, ठीक है, और कितना आ गया? 1 कट गया। और 2π की वैल्यू कितनी बोली इसने? तो 6.28, क्योंकि हमें r किस में गिवन था, तो ये भी हम किस में लेंगे? तो इसका मतलब ये जो मिनट हैंड है जब 40 मिनट टाइम लेगी तो ये यहाँ से लेकर O से लेकर A तक कितनी दूरी तय कर लेगी? 6.28 सेंटीमीटर। समझ आ गया? एग्जाम्पल का ये शायद क्वेश्चन है, तो एक्सरसाइज में भी क्वेश्चन है, तो इसी जैसे क्वेश्चन है, ठीक है? तो आपने ध्यान देना है, चलो नोट कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, 3.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन क्या है कि फाइंड डिग्री मेजर ऑफ एंगल सबटेंड एट सेंटर ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 100 सेंटीमीटर वाई एन आर्क ऑफ लेंथ 22 सेंटीमीटर, और पाई की वैल्यू आपने 22/7 यूज़ करनी है। तो क्वेश्चन क्या है, देखिए ये एक सर्कल है, इस सर्कल का जो रेडियस आपको गिवन है बेटा 100 सेंटीमीटर गिवन है। लेट अस सपोज करो दिस इज ओ ए, रेडियस आपको 100 सेंटीमीटर गिवन है, तो ये ओ ए आपके 100 सेंटीमीटर आ गया, ठीक है? अब क्या कह रहा है, डिग्री मेजर ऑफ एंगल, आपने ये जो सेंटर पे एक एंगल बन रहा है और इस एंगल पे जो सेंटर पे बन रहा है लेट अस सपोज करो थीटा, इस थीटा को आपने डिग्री मेजर में फाइंड करना है, और आपको गिवन है कि जो आर्क ऑफ लेंथ बना रहे हैं, ये एंगल जो आर्क ऑफ लेंथ बना रहा है यहाँ ओ से लेकर ये सपोज करो बी है, ये कितने हैं जी?
22 सेंटीमीटर। अब आपको रिलेशन पता है, क्या रिलेशन है, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर, ठीक है। वी चलो बाद में चलो लिख लेते हैं यहाँ, वी हैव थीटा इज इक्वल टू, ये रिलेशन है। आपको गिवन क्या है, एल कितना, आपको आर गिवन है, और आपने फाइंड क्या करना है, थीटा। तो ये मेरे पास रिलेशन आएगा, थीटा इज इक्वल टू एल अपॉन आर। एल कितना बच्चे, आर कितना है, तो ये आपके पास किस में आएगा, डिग्री में के रेडियन में, थीटा किस में आएगा, रेडियन में। क्योंकि मैंने आपको बताया कि जब हम ये रिलेशन यूज़ करते हैं तो यहाँ पे जो थीटा है वो क्या है, तो ये हमारे पास आ गया 22/100, थीटा आ गया रेडियन में। पूछ का किस में रहा है, तो हमने इसे किस में कन्वर्ट करना है, डिग्री में। तो डिग्री में कन्वर्ट करने के लिए हमारे पास क्या रिलेशन है, पाई रेडियन इज इक्वल टू, तो रेडियन को आप कन्वर्ट करना जा रहे हैं डिग्री में, तो हमें यहाँ पे किसकी वैल्यू निकालनी है, वन रेडियन की। सीधा याद रखने का तरीका है कि जो चाहिए आपको, ये रेडियन है ना, तो रेडियन चाहिए तो रेडियन फाइंड करना है, आपको रेडियन गिवन है ना, तो रेडियन वन रेडियन आपको चाहिए, डिग्री में फाइंड करना चाहते हो तो यहाँ पे रेडियन आपको गिवन है, तो रेडियन ही लेना आपने यहाँ पे। अगर डिग्री होता तो रेडियन में कन्वर्ट करना, तो हमने क्या लेना था, याद तो रखने का कोई चाहिए ना आपको तरीका कि कैसे याद रखना, तो याद रखने का क्या तरीका आ गया कि आपने रेडियन आपको गिवन है, फाइंड करना चाहते हैं डिग्री, तो जो आपको गिवन है आपने वही लेना, उसी का एक लेना है। अगर डिग्री है तो वन डिग्री लेना है, रेडियन अगर आपको गिवन है तो वन रेडियन लेना है, तो यहाँ पे आपको रेडियन गिवन है तो आपने वन रेडियन लेना है। वन रेडियन किसके इक्वल, पाई, ठीक है। यहाँ पे आप ऐसे लिख सकते हैं, आप यहाँ पे वैल्यू पुट कर लेंगे, थीटा इज इक्वल टू 22/100, और वन रेडियन किसके इक्वल है, 180/पाई, पाई की वैल्यू में यहाँ पे 22/7, तो 7 ऊपर चला गया, ठीक है। यहाँ पे मैं डिग्री का साइन ही लिख रहा हूँ, ये देखा ना आपने, यहाँ कैंसिल करने में मैं नहीं लिख रहा हूँ, ठीक है। तो ये कैंसिल, और 0 से 0 5 कितना है? क्या है ये 63/5 डिग्री है, कैसे रेडियन, दिस इज योर डिग्री है। लेकिन इसको और सॉल्व करते हैं, तो इसे आप ऐसे करें, 63 को 5 से डिवाइड करें तो ये आ गया जी 63 आ गया, तो 3 डिग्री बच गया, 5 है कम है, इसे और फर्दर छोटा कर देते हैं, तो एक डिग्री, ये 3 डिग्री है, तो एक डिग्री कितने मिनट के बराबर, 60, तो इसे 60 से मल्टीप्लाई कर दें, 180, अब ये बन गया मिनट, क्या बन गए, और ये क्या है, तो आप डिवाइड करें, 53 था नहीं, 5 15 और 56 था, और ये क्या, तो ये आंसर आ गया 12 degree 36 minute। ये आपका इसमें जो थीटा आया डिग्री मेजर, वो ये आएगी, ठीक है। तो इसी क्वेश्चन के साथ ये आपकी एक्सरसाइज जो है 3.1 फिनिश, बाकी क्वेश्चन आपने अच्छी तरह इसकी प्रैक्टिस कर लेनी है, ओके।